काजल में ना आजकल ना ठंड का स्टार्ट हो चुका है। सुबह और शाम तो बहुत ही कड़ी वाली ठंड होता है। निकल इसे कट कैसी मारी बहन जी, गलत किया। चाहे जिनके साथ वो जान जाते हो तो आप लोग यहाँ से राइट हैंड साइड जाइएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लियाना में विजय। आपके चैनल तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ मल्याना, और सुबकी से मल्याना की दूरी अराउंड 25 किलोमीटर के आसपास। और अभी के टाइम हो चुके हैं सुबह के 7 और निकलते हैं जरा शिमला को। तो फ्रेंड ये रही स्कूटी और मैं इसमें चाहता हूँ जरा मल्याना आज, और देख सकते हो और यहाँ का सुबकी के पास ही हूँ मैं अभी। और सुगी से शिमला की दूरी है गाइस 13 किलोमीटर, और ये रहा सुगी का मेन चौक। और यहाँ से मैं अंदर को जाता हूँ जरा शिमला रोड पे। और गाइस देख सकते हैं शिमला का मतलब रोड स्टार्ट हो चुका है यहाँ से सुगी से, और मैं भी दौड़ चमोर के पास ही पहुँचने वाला हूँ। दौड़ चमोर पे ना आपको मिल जाएगी बहुत ही बढ़िया मोमोज और चाउमीन, और सुगी से ज़्यादा बढ़िया इधर मिलते हैं दौड़ चमोर में। सारे लोग यहीं पे आते इधर, और गैरेज भी साथ में है इधर, और इसके इससे पहले कोई गैरेज नहीं है सुगी में, और ना या तो शिमला मिलेगी उसके बाद फिर कंडा घाट। सुबह का मौसम देख सकते हैं शिमला का बहुत ही बढ़िया, और हल्की हल्की धुंध लगी हुई है। और मैं अभी 8 बजने वाले गाइस, और अकेले हूँ, अकेले मैं राइड कर रहा हूँ आज। और मैं मल्याना है कि मत्याना है उस जगह नाम मैं भूल गया, मत्याना है शायद, उधर जाना है मेरे को। और आजकल ना इस रोड में ना खड्डे बड़ी भारी है, क्योंकि इसमें आजकल ना ट्रक बहुत चलते हैं और इसलिए खड्डे ज़्यादा है, और सेफ का सीजन स्टार्ट है। इसमें तो तब भी कम ही खड्डे है, पर आनंदपुर वाला रोड है ना जो ढली निकला ऊपर वाला, मतलब जहाँ से मैंने न्यूटन ली, उसमें तो बहुत ही गंदे खड्डे बनेगा। इसमें ना ज़्यादा कम समय चलते हैं। मौसम देख रहे हो बहुत ही प्यारा, एकदम बढ़िया धुंध लगी हुई है, और सुबह क्या मौसम, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। हेलो गुड मॉर्निंग, वहाँ पर गोली था मैंने उसको गोली कर दिया। सो फ्रेंड हिमाचल में ना आजकल ना ठंड का स्टार्ट हो चुका है, सुबह और शाम तो बहुत ही कड़ी वाली ठंड होता है, क्योंकि दिन में थोड़ा बहुत धूप बहुत तेज लगता है, अभी इस महीने तो लगेगा पूरा। और सुबह और ठंड तो सुबह और शाम को तो बहुत ही ठंड लगती है, इसलिए पूरा पैकअप होके चलाइए टू व्हीलर। पहुँच चुका हूँ ITBT के पास, और यहाँ से आप लोग नीचे को मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं, आगे से लेफ्ट हैंड जा सकते हैं हनुमान मंदिर, और यहाँ से तार देवी ओनली 1 किलोमीटर। और ये देख सकते हैं पूरा तार देवी का मार्केट, और यहाँ पर बहुत ही गंदे खड्डे बने हुए गाइस बहुत ही, और यहाँ पर ऊपर ना HRTCO का सर्विस सेंटर है। ओ भाई भाई भाई, और बारिश में तो ना चलाने के लिए ना बहुत दिक्कत है टू व्हीलर, क्योंकि ना पानी चिकड़ी चिकट ना पूरा टायर की, गाड़ियों की टायर से उछल के अपने हमारे पास पहुंच जाती है चिकड़। और ये सामने से आ रही है एंटोर, और खड्डे देख रहे हो, रोड की हालत तो बहुत ही गंदी है गाइस। और ये सामने गोयल मोटर, भाई 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 आज तो ऑफ रोडिंग होगी।
सो फ्रेंड, ये सामने का व्यू दिख रहे हो आप लोग क्रॉसिंग, और यहाँ से नीचे सामने से ना लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हो आप लोग माल रोड और शिमला पुराना बस स्टैंड। मैं जा रहा हूँ न्यू बस स्टैंड, और ऐसे नीचे भी जाता हूँ ज़रा न्यू बस स्टैंड के लिए। और न्यू बस स्टैंड यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास है। और फ्रेंड, में पहुँच चुका हूँ अभी न्यू बस स्टैंड, और ये देख सकते हैं न्यू बस स्टैंड का पूरा मतलब ना पूरा ये आसपास का व्यू। और यहाँ से आप लोग को लॉन्ग रूट के लिए भी बसें मिल जाएगी, और शॉर्ट की भी तो मिलती है। और ऊपर वाले बस स्टैंड से ना मतलब लोकल बस ज़्यादा चलती है, और यहाँ से लॉन्ग रूट के लिए ज़्यादा चलती है इस बस। मेरे आगे चलिए ST 1 सीटर, ST नाम है कुछ जावा का है, और मेरे दोस्त ने भी ST बाइक ली है, और डबल साइलेंसर है उसमें भी, बहुत बढ़िया का इसकी ना, और एकदम बढ़िया दब के चलती है। देख सकते हैं इसका लुक इस तरह का दिखेगा आपको, और बहुत ही बढ़िया गाइस, इसकी साउंड में मुकाबले में बहुत बढ़िया। और इसका प्राइस अराउंड 3 लाख के आसपास है। और इसका शोरूम ना सुखी में अभी अभी खुला है, जो मैं बोल ही रहा था पहले दौड़ से मोड़ के पास है, और शिमला में भी नहीं है इसका शोरूम ना एजेंसी मतलब। किसने कट कैसी मारी बनाने, गलत किया गाड़ी को ठोकते ठोकते बचे सर। कहाँ चल गए थे, बहुत ही बार चल गए थे। सो फ्रेंड, में पहुँच चुका हूँ खलेनी। खलेनी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, खलेनी का मार्केट देख सकते हो बहुत ही बड़ा है यहाँ आगे तक। और यहाँ पर लग गई है धूप, अभी तक धूप मेरे को कहीं भी नहीं मिली, और यहाँ पर धूप लग चुकी है। और जो रोड निकला था ना नीचे आनंदपुर होते हुए निकला था, वो रोड ये था गाइस, और मैं मतलब उस रोड को पहुंचा, नहीं तो यहाँ से भी बहुत ही लॉन्ग था तब, इसलिए मैं ऊपर शिमला से है। और यहाँ से ढाली 14 किलोमीटर और 35 किलोमीटर है, तो चलते गए जाके को। और यहाँ से आप लोग जुमका भी जा सकते हो, और जुमका के लिए रोड कहाँ से कटेगा मैं भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यहाँ से कटेगा रोड आगे से मतलब राइट हैंड साइड जो जुमका के लिए निकलेगा, जुमका साधुपुर और चायल जुमका साधुपुर जाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से राइट हैंड साइड जाइएगा। सो फ्रेंड, चल जी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रेस्ट ले लिया। और मध्याना चलता हूँ जरा गाइस यहाँ से, वो सामने का व्यू ना मध्याना है सर। भाई भाई भाई, रोड की हालत देख रहे हो यहाँ पर भयंकर।
कीड़ा ना आँख को टच करते हुए गया, आँख भी बच गया था गंदा वाला। सो फ्रेंड में मतलब पहुंचने वाला हूँ और देख सकते हैं आगे रोड का हालत बहुत ही थोड़ा ठीक है, बहुत ठीक भी नहीं है और बहुत ही खराब है यहाँ पर। ये देख सकते हैं हम लोग मध्यान्ह का बाजार स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर भी दोनों साइड गाड़ी गाड़ी लगी सारे जगह।